हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर से कॉलेज बैग लेके आई हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कहना चाहिए कि बहुत अट्रैक्टिव है और कुछ अलग हटके है जिसे मैं कहूँगी। और इसके लिए हमें सामान चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, करके दिखाऊँगी। उसके लिए हमें सामान चाहिए 20 इंच बाई 24 इंच का 1 पीस, और ये पूरी तरह से क्विल्टेड है। और पहले मैं आपको ये पीस दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको तैयार किया गया है। ये हमारा क्विल्टेड पीस है, देखिए ये पूरा 20 इंच है और ये जो पूरी लंबाई है हमारी 24 इंच है। ये 1 पीस में हमें एक ही पीस चाहिए। और ये जो कपड़ा है बीच का, इसको आप एम्ब्रॉयडरी वाला ही लें अगर यही बनाना चाहती हैं, या खुद एम्ब्रॉयडरी कर लें, या जैसा भी आपको ठीक लगे। और ये मार्केट में भी मिल जाते हैं इस तरह से सीक्वेंस वाले, जिस पे मशीन चल जाए आसानी से। तो मैंने, मेरे पास जो ये कपड़ा था इसमें ये बेल बनी हुई थी, तो मैंने बस इसको उसी हिसाब से लंबा लंबा क्विल्ट कर दिया है। इसमें चेक नहीं किया, अगर चेक कर देती तो पूरी एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाती। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है ये हमारा 12 इंच है, और ये जो पीस है हमारा ये 4 इंच है। ये भी ये सिंथेटिक में है, ये सिल्क में है। इसमें सीक्वेंस है, इसमें चमक है, सिल्क में चमक है, इसमें सीक्वेंस की चमक है। कलर कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन करके जो भी कपड़े हैं आपके पास उसको लगा करके आप तैयार कर सकते हैं। तो 4 इंच 12 इंच 4 इंच टोटल हमारा हो गया 20 इंच, और ये हमारा हो गया 34 इंच। अब ये 1 पीस में बनेगा पूरा, और इसको किस तरह से बनाना है आइए देखते हैं। और इसके लिए और क्या क्या सामान चाहिए, तो हमें एक पीस ये चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आपको बेल्ट बताई थी इस तरह वाली, इस तरह से बेल्ट तैयार कर लें। ये 26 इंच की 2 पीस चाहिए हमें, 2 बेल्ट चाहिए इस तरह से। और फिर इसके साथ हमें चाहिए जिप इस तरह से, और 2 रनर बस। इसमें आज में इतना ही सामान है। ये देखिए लिखा है 24 इंच बाई 20 इंच, बेल्ट 26 इंटू 2, 2 पीस में चाहिए, जिप 20 इंच, रनर 2 पीस, बस इसमें इतना ही सामान है। और इसमें एक चीज़ और मैंने ऐड की है जो लिखा नहीं है, वो ऑप्शनल है। और उसमें अंदर बैग में इस तरह से एक छोटी सी पॉकेट जो ऊपर के साइड में लगी है, ये हमारा ऊपर का साइड है। इसमें हमने यहाँ पर ये पहले से सिल दी है, इसलिए क्योंकि बॉबिन बदलना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। और ये इधर मैरून है, तो मैरून बॉबिन में मैरून धागा भर के बस इतनी ही दूर में ये सिलाई दिखाई देगी, बहुत गौर से देखा जाएगा। तो इसको अभी अंदर की पॉकेट है, इसमें आप कीज़ है, पैसे हैं, कार्ड है, कुछ भी रख सकते हैं। एक पॉकेट छोटी अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल कॉलेज बैग है, इसके अंदर ज़्यादा पॉकेट रखना ठीक नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसको अब कैसे बनाना है। तो ये तो हमारी पॉकेट हमने पहले से लगा ली है, आप भी इस तरह से पूरा क्विल्ट करने के बाद एक छोटी सी पॉकेट तैयार कर ले। और अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, दूसरा काम हमारा इसमें है बेल्ट लगाना। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे, इसको ऐसे डबल किया, यहाँ सेंटर निकाला, फिर इसको डबल किया और यहाँ पे सेंटर निकाल लिया, फिर इसको डबल किया, यहाँ पे सेंटर निकाल लिया। अब जिप लगाते समय तो दिखा पाना मुश्किल होगा, मैं अभी बता दूँ कि जो यहाँ वाला सेंटर है, इसमें जो ये हमारी बेल्ट है, इसको हम इस तरह, ये जो हमारा उल्टा पीस है इस तरह से रखेंगे, और ये जो निशान है उसके इधर से रखें। ये निशान हमें दिखना चाहिए, बस जस्ट उसके बगल से ही रखें, इसको हमें यहाँ पे ऐसे सिलना है। तो पहले हम बेल्ट लगा देते हैं ताकि जिप लगाते समय हमें दिक्कत ना हो। बेल्ट को पूरा खोलेंगे और इसमें करीब डबल सिलाई चला देंगे। दूसरी तरफ आ जाएंगे, बेल्ट को सीधा रखते हुए
ये चीज जो खुला हुआ हिस्सा है इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इसको जो हमने सेंटर का निशान लगाया था उसके अंदर की तरफ से लगा देंगे। अब ये हमारा बेल्ट लग गया है इस तरह से। अब इसमें हम यहाँ पर जिप लगाएंगे, जिप को उल्टा रखेंगे, ये सीधा दोनों सीधा एक साथ रखेंगे और अब इसमें हम जिप लगा देंगे। ये हमारा जिप लग गया है और ये हमारी बेल्ट आ गई है। अब इसमें इसको अब हम फिनिशिंग देंगे, इधर मोड़ेंगे, ध्यान रहे बेल्ट अंदर की तरफ होनी चाहिए ताकि मशीन के नीचे आकर के वो दबके सिल ना जाए। इस तरह से अब इसमें हम फिनिशिंग देंगे इस तरह से दबाते हुए। जहां पर बेल्ट है तो बेल्ट ऐसा करें आप बाहर निकाल लें, इस तरह से बाहर निकाल लें, उसके बाद इसको मोड़ें, क्योंकि अगर बेल्ट भी अंदर चली गई तो वहाँ पे फिर वो चार लेयर हो जाएंगी और मशीन फिर सफाई से सिलेगी नहीं। बेल्ट को बाहर ही निकाल लें। ये देखिए ये बेल्ट इधर बाहर निकली हुई है और इसको सफाई से सिल दें। ये हमारा एक तरफ का काम हो गया है, धागे काट देते हैं। अब मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी बेल्ट लग गई है इस तरह से। और ये अभी जब और आगे बनाऊंगी तब समझ में आएगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ में भी सेंटर के निशान लगे हुए हैं जैसा कि मैंने पहले दिखाया था आपको। ये है, यहाँ भी पहले हम बेल्ट जोड़ लेते हैं इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि जिप और बेल्ट एक साथ लगाई जा सकती थी, लगाने को हम सब कुछ लगा लेंगे लेकिन फिर वो फिनिशिंग वाली बात जो आती है वो नहीं आती, जिप पकड़े कि बेल्ट पकड़े, इसलिए। और यहाँ पे जो बेल्ट है उसको हमें कम से कम दो तीन मशीन चलानी है ताकि वो मजबूती बनी रहे। ये हमारी बेल्ट लग गई। अब इसमें हम इसको पूरा पीस पलटेंगे, ये जो ऊपर वाली बेल्ट हम लगा चुके हैं इसको अंदर रखेंगे और पहले जिप लगाएंगे इस तरह से, दोनों बेल्ट अंदर और इस तरह से जिप लगाएंगे।
इसको हम जिप को यहाँ से पूरा अलग कर देंगे। अब इसको हम पलटेंगे और इसमें भी फिनिशिंग दे देंगे। बेल्ट बाहर कर लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ेंगे, फिनिश। ये हमारी दूसरी बेल्ट भी लग के तैयार हो गई है। अब इसमें हमें रनर डालना है, जितने भी ये धागे वगैरह हैं, थोड़ा बहुत जो कपड़ा दिख रहा है उसकी फिनिशिंग देते चले। और अब इसमें हम रनर डालेंगे इस तरह से। एक तरफ पड़ गया और हम दूसरी तरफ भी डाल देते हैं। थोड़ा सा ये देखिए बेल्ट आगे पीछे हो रहा है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। दोनों बेल्ट बराबर हैं, उस हिसाब से हमें रनर डालना है इस तरह से। अभी भी आगे पीछे है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं। ये हमारा अब हमारी बेल्ट बराबर आ गई है। अब इसको यहाँ तक लाएंगे और इधर वाली भी डाल देंगे। ये हमारी आ गई है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बराबर कर देते हैं। ये हमारा बराबर। अब इसको हम बहुत धीरे से पलटेंगे ताकि इधर से और इधर से दोनों तरफ से हमारी जिप खुलने ना पाए। इधर की जिप को हाथ में पकड़ लेंगे, ये जो जिप है मेरी उंगलियां दिखाई दे रही होंगी आपको, ये देखिए, ये है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया है जिप को और इसको इधर से पूरा अंदर इसमें से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको उलट दिया, ये हमारा पूरा उलट गया। अब इसको यहाँ से पकड़ते हुए ये पूरा हमें सीधा सिलना है, पूरा पैक कर देना, ये जो खुला हुआ था बेल्ट अंदर कर दें ताकि बीच में ना आ जाए और इसको पूरा सिल दें। यहाँ पर डबल सिलाई शुरू में जिप मजबूती के साथ होनी चाहिए। दूसरा हिस्सा भी हम पैक कर देंगे इस तरह से। ये पूरा जो है हमें पैक कर देना है दोनों तरफ, तो इसको भी पैक कर देते हैं हम।
बेल्ट अंदर करते हैं। अब ये हमारा पूरा पैक हो गया। अब इसमें कहीं हमको किसी चीज़ की वो नहीं है, डर नहीं है कि कोई जिप खुल जाएगी या कुछ हो जाएगा। अब ये हमारा फिलहाल तो ये रेक्टेंगुलर में तैयार हो गया है। ये इस तरह से ये रेक्टेंगुलर में तैयार हो गया, लेकिन अभी हमें इसमें शेप देना बाकी है। जिप हमने खोली है दोनों हैंडल बाहर करने के लिए, थोड़ी थोड़ी जिप अंदर की तरफ बंद कर दें ताकि ये जो बेल्ट है हमारी यहाँ पे टिकी रहे। अब हमें क्या करना है कि इसमें यहाँ तक हमारा ये देखिए जो मैरून कलर का कपड़ा था वो यहाँ से यहाँ तक में जुड़ा हुआ है, ये इतनी दूर में जुड़ा हुआ है यहाँ पे यहाँ तक, इतना हमारा क्रीम कलर में है, इतना क्रीम कलर में है, इतना 4 इंच में क्रीम कलर में है। अब ये जो निशान मैंने लगाया चौक से, ये इसको इस तरह से पकड़ना है इस तरह से, और ये यहाँ पर इसको सेंटर लेते हुए इसको पूरा इतना लंबा सिल देना है। इसको हम सिल देते हैं, और ये जो सिलाई है ये मैरून के किनारे ही आएगी क्योंकि यहीं से हमारा मैरून कलर है। अभी मैं एक कच्ची सिलाई करके आपको पलट के दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ आपको, इसको खोलेंगे। अभी मैंने दूसरी तरफ का नहीं सिला है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए भी एक तरफ का सिल रही हूँ। ये देखिए एकदम बॉर्डर पे ही सिलाई आई है और ये इसने ये शेप दिया है। अभी दूसरी तरफ का नहीं सिला है लेकिन शेप दिखाने के लिए आपको मैं ये दिखा, ये देखिए ये अपने आप में बॉर्डर में नीचे आ गया है और ये इसकी लंबाई आ गई है, ये इसका बॉर्डर आ गया है, जैसे कि कॉलेज बैग चौड़े होते हैं। और शेप अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से होगा। तो अब हम दूसरी तरफ का भी इसी तरह कर देते हैं और इसको भी डबल कर देते हैं, पूरा उल्टेंगे। ये हमने पलट दिया, ये हमारा जो पहले मैंने सिल के दिखाया था, पहले इसको डबल कर देती हूँ। ये डबल हो गया, इधर का भी कॉर्नर निकाल लेते हैं और इसको भी उसी तरह से सेम सिल लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये ऑप्शनल है, आप इसको काटते हैं या रखते हैं। आप चाहे तो इसको छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये बैग बन रहा है इसकी डिमांड कुछ इस तरह से है कि वो चौड़ा ही नीचे आए। इसको पूरा हम सीधा रखेंगे इस तरह से, और अब इसके बाद ये जो हमारा जिप वाला हिस्सा है इसको इस तरह से बाहर करेंगे और ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो ये इसकी डिज़ाइन तैयार हो गई कुछ इस तरह से। ये देखिए इधर से ये पूरा चौड़ा रहेगा। एक रजिस्टर या एक बुक मोटी, दो बुक मोटी बहुत अच्छे बहुत आसानी से आ जाएगी इसमें। इसमें नीचे बॉर्डर वाली सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये जो बॉर्डर है हमारे पास, मैं बता दूं आपको
ये हमारे पास आया है 6 इंच का, ये जो पूरा कॉर्नर निकल के आया है ये 6 इंच का है। और 6 इंच में आप सोचिए कि कितना सामान आपका आ जाएगा। और ये कॉलेज बैग कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह से ये शेप इसका आएगा, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इस तरह से आएगा। तो ये था आज का हमारा स्टाइलिश कॉलेज बैग, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी आपसे फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार। Thank you.